तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है HCL की तरफ से। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस की, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बैच आप लोग का 2022 है तो 2022 वाले बैच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2022 से लेकर यहाँ पर 2016 तक के बैच वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग की ब्रांच यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी एलिजिबल है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑल ब्रांच यहाँ पर स्पेशली बोला गया है, ऑल ब्रांच वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। साथ ही देखिए, डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर ग्रेजुएट, मतलब कहने का मतलब है आप लोग का बीई बीटेक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीई बीटेक वाले भी अप्लाई करेंगे। बात आती है गाइस आप लोग की जेंडर की, तो यहाँ पर ओनली ऑन मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए जो फीमेल हमारी कैंडिडेट यहाँ पर देख रही है, वीडियो को स्किप कर सकती है और चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जॉब अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, HCL की तरफ से ये हायरिंग हो रही है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 0 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आप लोग की जॉब रहेगी और यहाँ पर आप लोग की 0 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर, तो आप लोग अप्लाई करें ज़रूर। आप लोग का पैकेज यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप लोग का जो सैलरी पैकेज है यहाँ पर 7.5 लाख से 10 लाख के करीब आप लोग का पैकेज रहेगा। साथ ही देखिए, यहाँ पर लोकेशन आप लोग की काफ़ी कई लोकेशन रहने वाली है। जैसे आप लोग की लोकेशन है हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली NCR, तो आप लोग इन लोकेशन में से किसी भी लोकेशन पर जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई करें। और इससे पहले मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी गाइस, अपनी जो भी प्रोफाइल है naukri.com की, प्लीज़ उसे 100% क्रिएट ज़रूर कर लें, क्योंकि गाइस आपकी जो प्रोफाइल है वो मैटर करती है, आपका जो रिज्यूम है वो मैटर करता है। यहाँ पर आप लोगों को सामने से कोई भी नहीं, आप लोगों को आपकी प्रोफाइल और आपका रिज्यूम देखकर यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट अच्छे से कर लें। अब देखिए गाइस, यहाँ पर वन डे पहले, एक दिन पहले ही ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग जल्दी से अप्लाई ज़रूर करें। साथ ही थोड़ा स्किल, यहाँ पर आप स्किल की बात करेंगे, जॉब हाईलाइट में आप लोगों को कई चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर कोई भी, मतलब यहाँ पर ब्रांच है, देखिए ब्रांच कौन कौन सी, जैसे आप लोग की EC, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप जो है आप लोग का बैच यहाँ पर इस प्रोफाइल के लिए जो बैच रहने वाला है, 2022 बैच वाले जो 2022 बैच के, वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। साथ ही देखिए, 2021 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2020 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर HCL हायरिंग कर रहा है BE और BTech ग्रेजुएशन वालों के लिए। साथ ही देखिए, यहाँ पर आप लोग की ब्रांच यहाँ पर उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है। लोकेशन आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो उसे आप लोग मेंशन नहीं करेंगे। की स्किल डाल सकते हैं। अब देखिए, की स्किल में आप लोग को क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखिए, जैसे जावा हो गया या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आप लोग अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में आप लोग, जैसे जो भी आप लोग को स्किल आती है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपनी प्रोफाइल में भी, साथ ही साथ अपने रिज्यूम में भी। टाइम मैनेजमेंट, ये आप लोग एक, ये तो एक नॉर्मल गाइस आप लोग की, ये कई देखिए 3-4 आप लोग की जो स्किल है, 3-4 नॉर्मल आप लोग की बेसिक जो स्किल है, इसे आप लोग सभी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ ही देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप लोग के रिलेटेड इससे कोई भी स्किल आती है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को और भी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे एलिजिबिलिटी, प्रोसेस क्या रहेगा,
आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस गाइस यहाँ पर दे रखा है। जैसे आप लोग का पहले टेक्निकल टेस्ट होगा, अगर आप टेक्निकल टेस्ट यहाँ पर आपकी ब्रांच जिस भी ब्रांच से उस ब्रांच से रिलेटेड आप लोग का यहाँ पर टेस्ट होगा। देन आप लोग का यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोग का फाइनल इंटरव्यू HR इंटरव्यू होगा। तो ये तीन राउंड आप लोग के यहाँ पर होंगे। तीन राउंड क्लियर करने के बाद आप लोग की यहाँ पर जो है जॉब यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी। साथ ही देखिए क्राइटेरिया क्या होगा, 60% होनी चाहिए आप लोगों की ग्रेजुएशन में आप लोग की परसेंटेज, साथ ही 10th और 12th में भी आप लोग की यहाँ पर होनी चाहिए। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ पर जो है आप लोग देखिए अगर आपका कोई भी बैकलॉग है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो पूरे पूरे फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बैक होती है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। साथ ही देखिए ये तीन बैच एलिजिबल हैं, 2022, 21 और 20 ये एलिजिबल है इसके लिए। लोकेशन पेन इंडिया हायरिंग, मतलब किसी भी लोकेशन से बिलोंग कर सकते हैं, यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल में जैसे कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग हो सकता है, आर्टिफिशियल आप लोग को इस पास स्किल हो सकती है, या फिर आप लोग को अपने जैसे कोई भी ब्रांच है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोग के पास कोई भी स्किल हो सकती है। तो इनमें से कोई भी स्किल है आप लोग अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही देखिए जैसे टीम प्लेयर की स्किल हो सकती है, गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश आप लोग की हो सकती है, जैसे गुड कम्युनिकेशन आप लोग की इंग्लिश में, या फिर आप लोग की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोग की स्किल अच्छी है, या फिर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में एडजस्ट काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के पास, C++ आप लोग को लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें से इस प्रोफाइल में से अपनी अपने रिज्यूम में मेंशन करेंगे उतना ही आप लोग के लिए प्रॉफिट है। क्योंकि गाइस आप अपना रिज्यूम हर अब लोग क्या करते हैं, एक रिज्यूम का पैटर्न बना लेते हैं, उसी को हर जगह सेंड कर देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से आप लोग से कंपनी मांग रही है प्रोफाइल में, उसी तरीके से आप लोग रिज्यूम को अपडेट करें। आप लोग फ़ोन से अपडेट करना सीख लें ताकि तुरंत की तुरंत आप लोग फ़ोन से अपडेट कर सकें। आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग का रोल रहेगा फुल टाइम परमानेंट, आप लोग की एम्प्लॉय यहाँ पर जॉब रहेगी, और आप लोग जो है इंडस्ट्री टाइप रहेगा IT यहाँ पर सर्विस का। और देखिए BE यहाँ पर BE BTech यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एनी स्पेशलाइजेशन। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। साथ ही देखिए अप्लाई करने का तरीका आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे यहाँ से। और साथ ही देखिए आप लोग इसकी जो मेन ईमेल आईडी होती है HR की वो भी मिल जाएगी, या फिर आप लोग खुद इसकी मेन ईमेल आईडी जो गूगल है वहाँ पर आप लोग को HR की ईमेल आईडी दी गई होती है, वहाँ पर भी आप लोग इसे रिज्यूम को सेंड करें। नेक्स्ट प्रोफाइल में थोड़ा एक्सपीरियंस वालों की भी दिखा देती हूँ। गाइस ये एक्सपीरियंस वालों की प्रोफाइल है, 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पर आप लोग की 2 से 5 लाख आप लोग की सैलरी रहेगी। फरीदाबाद गुड़गांव वैली NCR जॉब है, 1 डे पहले ये पोस्ट आउट की गई है। और एक्सपीरियंस वाले काफ़ी कुछ यहाँ पर देख से मांगा गया है स्किल में, तो स्किल आप लोग को यहाँ से जब काफ़ी सारी स्किल आती हैं तो आप लोग जरूर मेंशन करें। साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोग की रूटीन चेंज शिफ्ट रहेगी, और 5 डे वर्क रहेगा आप लोग का और 2 डे ऑफ रहेगा, ठीक है। अब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यू मीन एनी ग्रेजुएट BE BTech आप पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। और लोकेशन आप लोग की जैसा कि बता ही चुके हैं, साइट का आप लोग का वर्क रहेगा गुड़गांव में, तो काफ़ी अच्छी आप लोग की दोनों अपॉर्चुनिटी हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करें। अप्लाई इसके लिए इस जॉब के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे, और आप लोग को देखिए जो भी यहाँ पर naukri.com से प्रोफाइल है तो आप लोग को सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जितनी अच्छी आप लोग प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लेंगे उतना ही जल्दी आप लोग के लिए रिवर्ट आएगा। तो इसलिए गाइस जल्दी से जल्दी आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।